वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज सेवी फॉरेंसिक्स सो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं गन शॉट रेसिड्यू के पार्ट टू में जो जी रहता है उसका केमिकल एग्जामिनेशन हम किस तरह से करते हैं ठीक है इससे पहले जो पार्ट वन आया था तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जी क्या होता है उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है एंड जी एस आर का कलेक्शन हमें कौन कौन से मैथड से करना होता है ठीक है एंड ये जो पार्ट टू है तो यहाँ पर बेसिकली हम इसके एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे इसका एग्जामिनेशन किस किस तरह से होता है तो अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें कुछ केमिकल एग्जामिनेशन होते हैं कुछ आपके माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड कुछ आपके इंस्ट्रूमेंटल एग्जामिनेशनस होते हैं ठीक है so, सो इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली आपके केमिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे एंड जो थर्ड पार्ट आएगा जो कि इसका लास्ट पार्ट होगा वहाँ पर हम इसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं तो उनका पूरा किस किस तरह से यूज़ होता है तो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स वाला हम पार्ट थ्री में देखेंगे ठीक है तो अभी हम ये वाला वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं एंड ये वाला जो टॉपिक है आपके नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि आपके केमिकल एग्जामिनेशन एंड इंस्ट्रूमेंटल एग्जामिनेशन दोनों ही पोर्शन से आपके नेट के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है तो इसलिए आपको पूरा डिटेल में इनके बारे में पता होना चाहिए तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके ठीक है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को जिसमें हम बेसिकली केमिकल एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ेंगे सो एनालिसिस ऑफ जी की अगर बात करें एग्जामिनेशन की बात करें जी का तो so, एग्जामिनेशन करने के लिए यहाँ पर कुछ इतने सारे टेस्ट होते हैं जैसे कि सबसे पहले तो आपको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है कोई किसी भी तरह का कोई भी एविडेंस होता है उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन तो करना मस्ट होता है वो तो करना ही होता है उससे क्या रहता है कि अगर कोई अदर फॉरेन मटेरियल साथ में है या उनका जो भी आपके एविडेंस है जित जो भी आपका एविडेंस है तो उसका साइज शेप एंड जितना कुछ आपको माइक्रो लेकेडाइज से नहीं दिखता है तो वो सारा का सारा आपको एक बार माइक्रोस्कोप से देखना होता है ताकि आपको हो सकता है वहाँ से कुछ आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो इसमें जी में क्या रहता है आपका हो सकता है कोई फ़ॉरन मटेरियल मिल जाए फ़ॉरन पार्टिकल मिल जाए या फिर कोई इसमें जो भी पार्टिकल्स हैं तो उनका साइज़ शेप तो उनका सबका कुछ एक अप्रॉक्सीमेशन आइडिया लग सकता है इसके अलावा इसमें जब भी आप इसको विजुअलाइज़ करते हैं तो काफ़ी सारे कलर टेस्ट का आप परफॉर्म करते हैं ठीक है तो इसमें जो केमिकल एग्जामिनेशनस होते हैं केमिकल एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें सो केमिकल एग्जामिनेशन में इतने सारे आपके केमिकल एग्जामिनेशन करे जाते हैं जी के एग्जामिनेशन के लिए सो so, यहाँ पर कुछ हैं जैसे कि डर्बल नाइट्रेट टेस्ट डी टेस्ट तिवारी टेस्ट ग्रीस टेस्ट वॉकर टेस्ट एंड सोडियम रोडिजोनेट टेस्ट सो इससे पहले जो मैंने आपको गन पाउडर पार्टिकल्स के बारे में वीडियो बनाया था सो so, उस वीडियो के जो केमिकल डेवलपमेंट वाला टॉपिक था तो वहाँ पर मैं ऑलरेडी ये आपको ग्रीस टेस्ट वॉकर टेस्ट एंड सोडियम रोडिजोनेटेड टेस्ट के बारे में बता चुकी हूँ कि इसको किस तरह से डेवलप करते हैं अगर आपको एक अप्रॉक्सीमेशन आइडिया होता है कि यहाँ पर आपका जी होता है ठीक है so, सो ये जो आपके ग्रीस टेस्ट वॉकर टेस्ट सोडियम रोडिजोनेटेड टेस्ट होते हैं ये सारे के सारे के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं जो कि हमने डेवलपमेंट में बताया था एंड यहाँ पर ये एग्जामिनेशन से रिलेटेड कैसे है क्योंकि जब भी आपका गन पाउडर पैटर्न होता है तो उसी केस में ये सारे आपके जो टेस्ट रहते हैं ये आपका एक कलर प्रोवाइड कराते हैं एक पर्टिकुलर कलर रहता है तो अगर आपका जी एस आर वहाँ पर प्रेजेंट होगा उसी केस में ये आपको पॉजिटिव टेस्ट देते हैं जैसे कि हमने आपको इससे पहले में बताया था कि नाइट्रेट नाइट्राइड्स एंड इन सब के साथ में ये जो तीनों ग्रीस टेस्ट वॉकर टेस्ट सोडियम रोडिजोनेटेड टेस्ट होते हैं ये पूरा का पूरा आपका कलर अलग अलग कलर शो करते हैं ठीक है so, सो इसके बेसिस पर अगर आपको कलर रिजल्ट मिल जाता है तो उससे आपको पता चल जाता है कि हाँ ये आपका जी एस आर ही है तो ये एक तरह से एग्जामिनेशन ही हुआ ठीक है सो इसलिए ग्रीस टेस्ट वॉकर टेस्ट एंड सोडियम रोडिजोनेट टेस्ट इन तीनों को मैं इस वाली वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसको हम पहले ही बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे से इसको समझ चुके हैं कि ये पूरा टेस्ट किस तरह से परफॉर्म होता है सो so, इसलिए अगर किसी भी ने किसी ने भी इनमें से ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वाला प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा तो वहाँ पर आपको इन तीनों के बारे में डिटेल मिल जाएगी ठीक है एंड जो बाकी के तीन टेस्ट हैं तो इन तीनों टेस्ट के बारे में हम इसमें इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ठीक है देन इसके बाद में टेस्ट होता है ट्रेस एलिमेंट का डिटेक्शन करना होता है ट्रेस एलिमेंट का डिटेक्शन करने के लिए जैसे कि मैंने आपको इनऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट से बताया था तो वहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारा का सारा मैं आपको पार्ट वन में बता चुकी कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं सो so, उनके डिटेक्शन करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ होता है तो उसका डिटेक्शन करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कुछ केमिकल टेस्ट भी होते हैं ठीक है तो इनको किस तरह से परफॉर्म करते हैं ये हम पार्ट थ्री में पढ़ेंगे एंड इसके अलावा एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोप्रोब एनालिसिस ठीक है तो ये भी एक तरह से आपका ये जो आपके दोनों ही पार्ट हैं ट्रेस एलिमेंट डिटेक्शन एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोप्रोब एनालिसिस ये दोनों के बारे में भी हम पार्ट थ्री में ही पढ़ेंगे ठीक है इस वाले तर, इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक में हम बेसिकली ये तीन टेस्ट जो हैं इनके बारे में पढ़ने वाले हैं एंड ये जो तीन है इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ठीक है सो इनके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं एंड सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं डर्मल नाइट्रेट टेस्ट के बारे में सो so, अगर हम डर्मल नाइट्रेट टेस्ट की बात करें सो so, डर्मल नाइट्रेट टेस्ट को हम पैराफिन टेस्ट या फिर गोंजेल्स टेस्ट भी कहते हैं पैराफिन टेस्ट क्यों कहते हैं क्योंकि ये जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है बेसिकली जो पैराफिन की कास्ट रहती है पैराफिन जो कलेक्शन मेथड मैंने बताया था तो वहाँ पर पैराफिन का यूज़ करते हुए आपको कलेक्शन करना होता था तो जो आपकी पैराफिन की आपने कास्ट का कलेक्शन किया था जिसमें कि आपका जी प्रेजेंट था सो बेसिकली डर्मल नाइट्राइट टेस्ट उस पैराफिन के लिए ही यूज़ किया जाता है पैराफिन कास्ट के लिए ही यूज़ किया जाता है इसीलिए इसको हम डर्मल नाइट्राइट टेस्ट कहते हैं ठीक है लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ पैराफिन से ही कर सकते हैं जिसमें भी आपने जहाँ भी आपने कलेक्शन किया हुआ है जो भी जी है तो उसके साथ आप ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है जो सेकेंड नाम है गजल्स टेस्ट गोंजेल्स इनको इसलिए कहते हैं इस टेस्ट को क्योंकि इस टेस्ट का जो डेवलपमेंट किया था वो आपके साइंटिस्ट थे एक ट्योडर गजल्स टियोड्रो गज ने इस टेस्ट के बारे में बताया था एंड ये टेस्ट के बारे में इन्होंने 1933 में बताया था ठीक है so, सो ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट ये जो टेस्ट के बारे में पूछ सकते हैं कि ये टेस्ट पर्टिकुलर किस साइंटिस्ट ने दिया था किस ईयर में दिया था तो ये आपको पता होना चाहिए ठीक है अभी हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से केमिकल्स यूज़ करे जाते हैं किस तरह से टेस्ट को परफॉर्म करते हैं सो इसमें क्या रहता है पॉइंट इस टू फाइव परसेंट ज़ीरो पॉइंट टू फाइव परसेंट जो है आपका डायफिनाइल बेंजीडीन या फिर डाइफिनाइल एमिन इन दोनों में से किसी भी एक रिएजेंट का स्प्रे किया जाता है जो भी आपका सस्पेक्टेड एरिया होता है यहाँ पर भी आपको लग रहा होता है कि यहाँ पर जी प्रेजेंट होगा उस सस्पेक्टेड एरिया पर आपको इसको स्प्रे करना होता है स्प्रे करने के बाद में आप देखेंगे वहाँ पर डीप ब्लू कलर का आपको वो जो भी स्पॉट होगा वो डीप ब्लू कलर का विजुअलाइज होगा ठीक है तो अगर आपको ये ब्लू कलर शो कर रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पर आपका जी प्रेजेंट है एंड बेसिकली जो आपका आ, ये जो केमिकल्स रहते हैं ये आपके नाइट्राइट से रिएक्ट करते हैं इसलिए इसको डर्मल नाइट्राइट टेस्ट कहते हैं डर्मल इसलिए क्योंकि जितना भी आपने जी एस आर कलेक्ट किया था वो बेसिकली आपका जो जो भी आपका सस्पेक्टेड पर्सन था उसके आपने हैंड से कलेक्ट किया है दैट मीन्स उसका जो डर्मल सर्फेस थी डरमल मतलब आपका जो स्किन रहती है उसको एक तरह से डर्मल कह सकते हैं डर्मिस होती है ठीक है तो इसलिए इसको हम बोलते हैं डर्मल नाइट्राइट टेस्ट डर्मल स्किन नाइट्राइट जो भी आपका जी एस आर में नाइट्राइट कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनका एग्जामिनेशन होता है इसलिए इसको बोलते हैं डर्मल नाइट्राइट टेस्ट ठीक है फिर अगर हम बात करें जो डाइफिनाइल बेंजीडीन होता है सो डाइफिनाइल बेंजीडीन एक तरह का कार्सिनोजेनिक होता है इसलिए इसका उतना यूज़ नहीं किया जाता है एंड इसको रिप्लेस कर दिया गया है अब डाइफिनाइल एमीन के साथ में अभी डाइफिनाइल बेंजीडीन का पहले ही यूज़ होता था लेकिन अब उसको डाइफिनाइल एमीन का यूज़ करने लगे हैं उसको रिप्लेस कर दिया है विच ऑल्सो गिव्स अ डीप ब्लू कलर कलरेशन टू नाइट्राइट्स जो कि सेम ही प्रोसेस है सेम कलर देता है बस आपको रिप्लेस कर दिया गया है डाइफिनाइल बेंजरीन को डाइफिनाइल आमीन से क्यों कर दिया गया है क्योंकि जो डाइफिनाइल बेंजरीन था वो एक कार्सिनोजेनिक होता था ठीक है देन द प्रॉब्लम विद दिस टेस्ट इज दैट सो मेनी एवरी डे केमिकल्स फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजर्स यूरिन मेकअप एट्सेट्रा कैन गिव अ पॉजिटिव रिएक्शन विद दिस रिएजेंट दैट that it is so longer used for the identification that it is not used so for the identification of GSR. so basically ये जो आपका particular test था डर्मल नाइक्राइड test था ये आपका जो fertilizers होते हैं urine होता है and जितना भी makeup के products होते हैं तो उन सभी के साथ में positive result देता था तो इस वजह से इस test का उतना ज़्यादा reliable नहीं रहा क्योंकि ये बाकी सारी चीज़ों के साथ भी आपका positive result दे देता है तो इसलिए ये उतना reliable नहीं रहा ठीक है अभी हम लेकिन अभी भी इसका यूज़ किया जाता है ऐसा नहीं है कि इसका यूज़ नहीं करते हैं यूज़ करते हैं बस ये रहता है कि आपको बाद में एक प्रॉपर और उसका आ, मतलब कंफर्मेशन करने के लिए बाकी टेस्ट का भी आपको यूज़ करना होता है ठीक है अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं एंड यहाँ पर बात कर लेते हैं सेकेंड टेस्ट की एंड ये है डाई थायो थाजामाइड दैट मीन्स डी टी ओ डी टी ओ की फुल फॉर्म की बात करें तो डाई थायो ऑक्सामाइड टेस्ट सो so, दिस टेस्ट डिटेक्ट्स कॉपर एंड निकल एंड इट कैन ऑल्सो भी यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट सो जो आपका डाइट हाईो ऑक्सामाइड टेस्ट है बेसिकली आपका कॉपर एंड निकल एंड इसके अलावा जो कोबाल्ट होता है उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए यूजफुल होता है विद डी टी ओ जो कॉपर रहता है अगर डी टी ओ का जब स्प्रे करते हैं जो भी आपका सस्पेक्टेड एरिया होता है तो उस पर स्प्रे करने से अगर वहाँ पर कॉपर प्रेजेंट है कॉपर के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं सो कॉपर उसके साथ में वेरी डार्क ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है ग्रीन कलर का कलर प्रोड्यूस करता है आपका कॉपर के साथ में निकल की बात करें तो अगर निकल प्रेजेंट है तो वो पिंक कलर शो करता है पिंक से वॉलेट कलर पिंक टू तो वॉइलेट कलर शो करता है एंड कोबाल्ट अगर प्रेजेंट है तो कोबाल्ट उसके साथ में ब्राउन कलर शो करता है कॉपर डार्क ग्रीन कलर निकल पिंक टू वॉयलेट कलर एंड कोबाल्ट ब्राउन कलर शो करता है अगर जो भी सस्पेक्टेड एरिया है वहाँ पर कॉपर निकल कोबाल्ट में से कुछ भी प्रेजेंट है उस पर जब आप डाइट हाई ऑक्सामाइड को स्प्रे करेंगे तो उससे आपके ये ये कलर के वेरिएशंस आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे तो जो भी आपका एलिमेंट वहाँ पर प्रेजेंट होगा तो वो वही वाला कलर आपको शो करेगा तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर जी में ये ये चीज़ें प्रेजेंट हैं ठीक है थीके? तो इससे आपको पता चलता है कि वो पर्टिकुलर जी एस आर ही है देन द रिएजेंट मस्ट बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो आपका डी टी ओ का आप सोल्यूशन बनाते हैं वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए फ्रॉम ज़ीरो पॉइंट टू ग्राम ऑफ डी टी ओ इन हंड्रेड एम एल ऑफ़ इथेनॉल हंड्रेड एम के इथेनॉल में मतलब जीरो पॉइंट टू ग्राम का डी को आपको हंड्रेड एम के इथेनॉल में डिजोल्व करना होता है वो भी आपको फ्रेशली प्रिपेयर करना होता है प्रिपेयर करने के बाद में आपका जो भी सस्पेक्टेड एरिया होता है वहाँ पर आपको इसको स्प्रे कर देना होता है ओके देन ऑल्दो दिस इज करेंटली नो सिग्निफिकेंस ऑफ फोरेंसिक वायराम एग्जामिनेशन मतलब ये आपका इतने सारे अलग अलग तरह के कलर शो करता है इसका इस तरह से यूज़ किया जाता है फिर भी ये जो आपका जो टेस्ट रहता है ये इतनी ज़्यादा इस, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है फोरेंसिक साइंस में इसका कुछ ड्रॉबैक्स रहते हैं जिस वजह से इसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं रहती है लेकिन फिर भी आपको इसका नाम पता होना चाहिए नाम के साथ साथ ये कौन कौन से मेटल्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़फुल रहता है ये आपको पता होना चाहिए एंड कलर कौन कौन से प्रोवाइड कराता है कौन कौन से कलर आपको ये शो करता है किस मेटल के साथ में ठीक है तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके नेट के एग्जाम में कभी भी पूछी जा सकती हैं ठीक है तो आपको पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं एंड यहाँ पर है आपका तिवारी टेस्ट सो इसमें क्या रहता है वन ग्राम ऑफ एंटो एंटाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड दैट मीन्स इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है टू एन बेंजिल एनिलीन मिथाइल मिनी मिथाइल मिनाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड सो so, ये जो आपका रहता है वन ग्राम एंटाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड टू एन बेंजिल एनिलीन मिथाइल मिनाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड इसको जो रहता है इसमें आपको फिफ्टी एम वाटर को डालना होता है एंड इसमें आप और ऐड करते हैं फोर्टी फाइव एम एल कंसनट्रेट एच को इसमें ऐड करते हैं इसके बाद में इसको स्टर करना होता है तब तक के लिए जब तक किसे वाइट प्रेसिपिटेट जो रहता है वो डिजोल्व ना हो जाए पूरी तरह से ठीक है अभी आपने ये इस तरह से आपने पूरा सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर लिया इसके बाद में आपको क्या करना होता है ये आपने सोल्यूशन प्रिपेयर कर दिया इसको रख दीजिए इसके बाद में एक फ़िल्टर पेपर को लेना होता है एक आपने ये फ़िल्टर पेपर ले लिया इस फिल्टर पेपर को आपको सोक कराना होता है एसीटोन टोन में एसीटोन टोन में आपने इसको सोक करा लिया इसके बाद में क्या रहता है जो भी आपका टारगेट रहता है उस टारगेट पे इसको प्रेस करना होता है कुछ टाइम के लिए देन उसको एयर ड्राई करना होता है जो भी आपका टारगेट था उसको आपने एयर ड्राई जो टारगेट पे आपने एसीटोन वाले फ़िल्टर पेपर को सोक करके रखा प्रेस किया जिससे कि जो जी के पार्टिकल्स थे वो सारे आपके फ़िल्टर पेपर पर आ गए इसके बाद में आपको जो जी था उसको ड्राई कराना होता है रूम टेम्परेचर पर ही जब ये ड्राई हो जाता है इसके बाद में इसके ऊपर आपने जो आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर यहाँ पर सॉल्यूशन प्रिपेयर करके रखा था इस सॉल्यूशन को आपको इसके ऊपर स्प्रे करना होता है जब आप इसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर डीप येलो स्पॉट्स बन रहे होंगे डीप येलो स्पॉट्स बन रहे होंगे जो कि शो करते हैं कि वहाँ पर नाइट्राइट कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं नाइट्राइट कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं अगर वहाँ पर डीप येलो कलर का आपको दिख रहा है ठीक है अगर आपको येलो कलर के डीप येलो स्पॉट्स नहीं दिख रहे हैं इसका मतलब है कि वो नेगेटिव रिजल्ट है एंड वहाँ पर जी के पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है वहाँ पर नाइट्राइट कंपाउंड्स प्रेजेंट नहीं है ठीक है तो इस तरह से ये पूरा प्रोसीजर होता है आपके तिवारी टेस्ट को परफॉर्म करने का एंड दिस टेस्ट मेनली यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ रेंज ऑफ फायरिंग बाय विजुअलाइजेशन ऑफ प्रोपेलेंट पार्टिकल्स सो जितने भी प्रोपेलेंट पार्टिकल्स होते हैं उनको विजुअलाइज़ करने के लिए जो भी आपका जो एस्टिमेशन रहता है रेंज का डिटर्मिनेशन करने के लिए उनको विजुअलाइज करना होता है एंड उसके लिए ये आपका तिवारी टेस्ट बहुत यूज़फुल रहता है ठीक है सो इस तरह से ये आपके सारे टेस्ट होते हैं बाकी के जो टेस्ट थे वॉकर टेस्ट ग्रीस टेस्ट एंड सोडियम रोडिजोनेट टेस्ट तो ये सारे के सारे ज़रूर से देख लीजिएगा जाकर जो कि मैंने बताया था मैथड्स डेवलपमेंट के जो गन पाउडर पार्टिकल्स था उसमें डेवलपमेंट के कैसे क्या क्या मेथड्स रहते तो वहाँ पर वो तीन मैंने बताए थे एंड तीन मैं यहाँ पर बता रही हूँ ठीक है so, तो ये तीनों के तीनों आपके नेट के एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं तो ये इनके बारे में आपको पता होना चाहिए एंड वाला जो वीडियो है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी तो वहाँ से भी आप इसको देख लीजिएगा ठीक है तो ये वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है इसके बाद में हम बात करेंगे जो ट्रेस मैटर का डिटेक्शन होता है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं तो उनके बारे में हम बात करेंगे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करना होता है किस किस तरह से कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस किस मेटल का डिटेक्शन करने में यूजफुल होता है तो वो सारा का सारा हम आपके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे ठीक है तो ये वाला टॉपिक अभी के लिए यहाँ पर कंप्लीट होता है एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज टेलीग्राम चैनल एंड ब्लॉगर पे एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फॉर डेली अपडेट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर